हेलो एवरीवन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सिक्स जो कि है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स आज हम पढ़ेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ़ बिजनेस एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले कंसेप्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जैसे कि हमें पता है कि जो भी एक बिज़नेस होता है वो एक सोसाइटी में काम करता है सोसाइटी के रिसोर्स को यूज़ करता है रिसोर्स में चाहे हम रो मटेरियल को कहें या फिर हम मैन को कहते हैं जो यानी कि एम्प्लॉयज़ हैं हमारे मैन मटेरियल मनी सब कुछ हमें कहाँ से मिलती है सोसाइटी से मिलती है तो हर एक बिज़नेस की खुद की ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिज़नेस बिज़नेस का काम चलाते हुए बिज़नेस चलाते हुए सोसाइटी को कोई भी हाँ ना पहुँचाए यहाँ पर हम इसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि हर एक पर्सन अपना बिजनेस तो चलाए पर किसी भी तरह से जो सोसाइटी है उसको हार्म ना पहुँचे सबसे पहले है मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इट रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ़ बिज़नेस टूवर्ड्स वेरियस पार्टीज़ ऑफ सोसाइटी ये क्या है हर एक बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी भी पार्टीज़ उसके साथ कनेक्टेड हैं उन सब के वो क्या करें सोशल उन सब के साथ जो भी उनकी बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करें Next, a definition of social responsibility. According to the International Seminar New Delhi 1955, social responsibility of business means responsibility of business towards customer, worker, shareholder, and the community. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस क्या है बिज़नेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टूवर्ड्स डिफरेंट पार्टीज़ जो भी पार्टीज़ बिज़नेस के साथ कनेक्टेड हैं उन सब के लिए बिज़नेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन सब को आगे हम डिटेल में करेंगे एक एक करके तो बिज़नेस को वो क्या करनी चाहिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टाइम पर कंप्लीट करना चाहिए तभी जो एक बिज़नेस है वो क्या कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए अपना बिजनेस चला सकता है और टिक सकता है मार्केट में नेक्स्ट है केस फ़ॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेवर करते हैं कुछ पॉइंट्स आगे हम करेंगे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट हैं अभी जो हम कर रहे हैं केस फ़ॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है फेवर में कि हर एक बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए नंबर वन है बिज़नेस इज़ ए पार्ट ऑफ सोसाइटी जैसे कि जो बिज़नेस है वो सोसाइटी का ही एक पार्ट है सोसाइटी से ही रिसोर्स लेके सारे यूज़ कर रहा है और प्रॉफ़िट अर्न कर रहा है तो बिज़नेस की ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी सारी की सारी जितनी भी पार्टीज उसके साथ कनेक्टेड हैं उन सबके टूवर्ड्स जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको भी टाइम टू टाइम कम्प्लीट करता रहे क्योंकि अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम्प्लीट नहीं करेगा तो जो सोसाइटी के अंदर उसका बिज़नेस है सोसाइटी भी उसको पसंद नहीं करेगी उस बिजली in their school नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस अगर कोई भी बिज़नेस है जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से बचना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए अपने आप ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहिए क्योंकि अगर बिज़नेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करेगा या कोई भी एक पार्टी ऐसी है जिसके लिए वो काम नहीं कर पा रहा तो उस टाइम पर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना पड़ता है बिज़नेस के अंदर ताकि जो भी पार्टीज हैं कनेक्टेड हैं बिजनेस के साथ उनके साथ कुछ एक्सप्लोइटेशन ना हो कुछ गलत ना हो तो अग... अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को तो भी आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ बिज़नेस अगर बिजनेस लंबे समय तक मार्केट में टिकना चाहता है अपना नाम बनाना चाहता है तो भी उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहिए अगर कोई भी बिज़नेस पूरा नहीं करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो उसकी मार्केट में रेपुटेशन डाउन जाने लग जाती है जिसके बदले में उसके प्रॉफिट्स भी कम हो जाएंगे और बाद में उस उस कंपनी का या उस बिज़नेस के साथ कोई पार्टी जुड़ा नहीं जुड़ा नहीं रहना चाहेगी नेक्स्ट है केस अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब पहले जो हमने पढ़े थे वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में थे कि केस थे वो कहते थे कि आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए अब है केस अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके अंदर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट बात करेंगे नंबर वन है कॉन्ट्रेरी टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ़ बिजनेस हमने जब बिजनेस की डेफिनेशन की थी तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रॉफिट अर्न करना अब वो क्या कहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है प्रॉफिट अर्न करना अब ये दोनों तो आपस में क्या हो गए कॉन्ट्राडिक्ट कर गए मतलब या तो आप प्रॉफिट कमा सकते हो या आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकते हो तो इस केस में वो कहते हैं कि आपका जो बिजनेस हमने इस्टेब्लिश किया था उसमें तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था प्रॉफिट अर्न करना तो अब अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काम करते हैं तो उससे हमारे प्रॉफिट्स पर असर आएंगे तो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करेंगे ये क्या है आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव तो ये कहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की कोई जिम्मेवारी नहीं है नेक्स्ट है इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम अगर कोई भी बिज़नेस है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है तो उससे क्या होगा बिजनेस के अंदर इनएफिशिएंसी आने लग जाएगी मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव है हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन दूसरी ही तरफ हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाएंगे तो जो हमारे बिजनेस का सिस्टम है वो इनफिशेंट होगा मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाएगा नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ बिजनेस वैल्यूज़ इफ़ेक्ट ऑफ बिज़नेस वैल्यूज़ बिज़नेस कहता है कि आप प्रॉफिट के लिए काम करें या फिर जो बिज़नेस की वैल्यूज़ हैं जो आपके उसके जो हम मानकर बिजनेस चलाते हैं वो अलग हैं और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक अलग ही चीज़ है तो ये भी है कि अगर आप बिज़नेस वैल्यूज़ को मानते हो तो उस टाइम पर भी आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो ये कुछ केसेज़ हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट कि ये पॉइंट्स देते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिज़नेस का काम नहीं है वो यहाँ पर मार्केट में आई है प्रॉफिट अर्न करने के लिए और वो प्रॉफिट ही अर्न करेगी तो ये अगेंस्ट वाले केस हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स वेरियस पार्टीज इसमें हम एक एक करके अब सारे पढ़ेंगे जैसे शेयर होल्डर्स के लिए हमारे क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयज के लिए क्या है कस्टमर के लिए गवर्नमेंट के लिए कम्युनिटी के लिए क्या है जनरल पब्लिक के लिए क्या है एक एक करके अब हम देखते हैं नंबर वन है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड शेयर होल्डर अब शेयर होल्डर्स कौन होते हैं जिन्होंने बिज़नेस में पैसा लगाया है जो बिज़नेस के ओनर्स हैं तो उसके लिए एक बिजनेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो देखते हैं टू एंश्योर अ फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स जो भी ओनर्स ने पैसा लगा रखा है बिज़नेस पे उसको उसके ऊपर उनको अच्छे से रिटर्न देना मतलब उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट का शेयर हम देते हैं जैसे शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड देते हैं प्रॉफिट का कुछ पार्ट जितना उन्होंने शेयर्स ले रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको प्रॉफिट का शेयर देते हैं तो वो क्या होना चाहिए फेयर होना चाहिए मतलब अच्छे से होना चाहिए और रेगुलर रिटर्न होना चाहिए आप टाइम टू टाइम उनको इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने कर रखी है बिज़नेस में पैसा लगा रखा है उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न प्रोवाइड करते रहें टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट जो पैसा हमने बिजनेस लगाया है उसकी सेफ्टी भी कौन करेगा बिजनेस ही करेगा टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की कि जो भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो उसको बचा के रखे उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा करने के लिए काम करे नेक्स्ट है टू सेफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन में भी हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम क्या कह रहे हैं जो भी बिज़नेस की एसेट्स हैं उनको सेफली रखना उनको अच्छे से यूज़ करना ताकि हम बिज़नेस में अपना प्रॉफिट बढ़ा सकें टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर इन द बिज़नेस आपके बिज़नेस में जितने भी टाइप के इन्वेस्टर हैं चाहे वो किसी भी तरह के हैं किसी भी क्लास के हैं आप उन सबको अच्छे से प्रोटेक्ट करें उनको अच्छे से रिटर्न दें टाइम टू टाइम टू एंश्योर प्रॉपर एंड टाइमली डिविडेंड हर एक बिजनेस को टाइम पर अपने ओनर्स को डिविडेंड दे देना चाहिए नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ लास्ट में हमने किया था शेयर होल्डर्स के लिए अब नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ के लिए क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बिजनेस की गिविंग दैम प्रॉपर डेमोनरेशन हर एक एम्प्लॉयी को उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग अच्छी सैलरी देनी प्रोवाइडिंग क्लीन वर्किंग एटमॉसफेयर एक जहां पर वो काम करते हैं वो एटमॉसफेयर क्लीन हो क्लीन हो ताकि वो हेल्दी रहें रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स डिग्निटी उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उस हर एक की सेल्फ रिस्पेक्ट को डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना ये भी किसका काम है बिजनेस का काम है गिविंग दैम अ शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं इतनी आपकी हेल्प करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए तो आप उनको कुछ पार्ट भी दे सकते हो प्रॉफिट का जैसे हम बोनस देते हैं तो वो भी क्या होता है एक प्रॉफिट का पार्ट होता है जो हम एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी के साथ देते हैं नेक्स्ट है गिविंग सिक्योरिटी ऑफ सर्विस जो भी आपके पास एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं उन्हें सिक्योरिटी देना कि आपकी जॉब यहाँ पर जो है परमानेंट है आपको कभी भी ऐसे अचानक से नहीं निकाल दिया जाएगा गिविंग पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कोई भी जब मैनेजमेंट को डिसीज़न लेना है तो एम्प्लॉयज़ की उसमें हेल्प लेनी चाहिए जिससे वो मोटिवेटेड फील करे अडोप्टिंग इंसेंटिव गिविंग सिस्टम इंसेंटिव होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट तो सैलरी तो हम उनको दे ही रहे हैं उनके काम के लिए पर कोई एम्प्लॉई है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं ताकि उससे वो मोटिवेट हो और और अच्छा काम करे सॉल्विंग लेबर प्रॉब्लम्स इन टाइम जो भी आपकी लेबर है वर्कर्स हैं उनकी कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको टाइम पर पूरा कर दें टाइम से उसको सॉल्व कर दें ताकि वो अपना काम आगे से अच्छा कर सकें नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर अब कंज्यूमर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिज़नेस की नंबर वन है टू मेक अवेलेबल गुड क्वालिटी गुड्स एट चीप रेट्स बिज़नेस को अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करने चाहिए कस्टमर्स को और कम से कम प्राइस पर ऐसा नहीं हो कि अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर हम जो कस्टमर हैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रखें पर कम से कम रखें ताकि हम कस्टमर को भी सर्व कर सकें टू ब्रिंग आउट रियलिटी इन एडवर्टीज़मेंट आपने देखा होगा बहुत सी एडवर्टीज़मेंट ऐसी होती हैं जिसके अंदर झूठ दिखाया जाता है तो इस तरह का ना का काम नहीं होना चाहिए आप एडवर्टीजमेंट दिखाओ और सही से दिखाओ अगर आपका प्रोडक्ट वो सब क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर जो आप एडवर्टीजमेंट में दिखा रहे हो तभी उसको दिखाओ अदरवाइज झूठी जो तारीफ़ें हैं वो एडवर्टीजमेंट के अंदर नहीं होनी चाहिए टू अवॉइड अडल्ट्रेशन अडल्ट्रेशन होता है मिलावट जो भी आपके गुड्स हैं उसके अंदर मिलावट ना हो जो आपके गुड्स हैं वो गुड क्वालिटी के हों टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस आफ्टर सेल सर्विस होती है जिसके अंदर हम गुड्स को बेचने के बाद भी उसके अगर उसको हम क्या करते हैं सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आ, आप अपने कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस भी दे सकते हो कि कोई भी दिक्कत होगी जैसे हम सुनते हैं गारंटी वारंटी के बारे में वारंटी में क्या होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट में कोई भी डिफेक्ट हो जाता है या कुछ भी कमी आती है तो उसको जो सेलर था वो ठीक करके देता है तो ये होती है आफ़्टर सेल सर्विस टू मेक गुड्स अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ़ कंज्यूमर गुड्स इस तरह के बनाने चाहिए बिज़नेस को जो कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग हो जैसे उनको पसंद हैं हम उनको वैसे ही गुड्स प्रोवाइड करें और जहाँ पर उनको ईजिली अवेलेबल हों वहाँ तक गुड्स को पहुँचाए भी टू बी सिविल एंड पोलाइट टू कंज्यूमर कंज्यूमर के साथ एक पोलाइट वे में बात करनी चाहिए उनको पोलाइटली डील करना चाहिए जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं अच्छे से सॉल्व करनी चाहिए ट्रीटिंग कस्टमर लाइक गॉड हर एक बिजनेस के लिए कस्टमर भगवान की तरह होता है अगर कस्टमर ही नहीं होगा प्रोडक्ट खींच प्रोडक्ट खरीदने वाला ही नहीं होगा तो जो सेलर है वो क्या करेगा प्रोडक्ट को रख के नेक्स्ट है सोल्विंग देयर प्रॉब्लम्स पोलाइटली कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं हर एक बिजनेस को उसको पोलाइटली सोल्व कर देना चाहिए ताकि वो अपने आपके प्रोडक्ट को आगे भी खरीदना चाहे नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट गवर्नमेंट के टू क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिज़नेस की नंबर वन है टू पे टैक्सेज ऑनेस्टली टाइम पर अपने टैक्सेस की पेमेंट करो जो भी आपके टैक्स हैं पे करते हो उसको अच्छे से ऑनेस्टली पे करना चाहिए टू ऑब्जर्व रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट अगर आपके बिज़नेस के लिए गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बनाए हैं तो उन सबको फॉलो करना भी बिज़नेस की जिम्मेवारी है हेल्पिंग द गवर्नमेंट बाई इस्टेब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट को हम हेल्प कर सकते हैं न्यू न्यू इंडस्ट्रीज बनाकर जब न्यू न्यू इंडस्ट्रीज बनेंगी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी कंट्री की नॉट टू एक्सप्लॉयड द गवर्नमेंट मशीनरी बाय अनफेयर मीन्स जो भी गवर्नमेंट की मशीनरी है मतलब जो भी गवर्नमेंट का एसेट्स होती हैं या गवर्नमेंट ने जो भी हमको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं उनको एक्सप्लॉयड नहीं करना चाहिए उनको ख़राब नहीं करना चाहिए किसी भी बिजनेस को नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कम्युनिटी अब टूवर्ड्स कम्युनिटी कम्युनिटी के अंदर जो हमारी सोसाइटी है वो सारी आ जाएगी टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट हर एक बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हों एम्प्लॉयड हों और अपने लिए जो पैसे हैं वो कमा सकें और अपना लेवलीहुड अर्न कर सकें टू अवॉइड पोल्यूटिंग द एन्वायरमेंट किसी भी बिजनेस को एनवायरमेंट को पोल्यूट नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर एनवायरमेंट ख़राब होगा तो वो बाद में हमें ही दिक्कत देगा टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द रेजिंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अब हर एक पर्सन के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है मतलब जो आप जैसे आप जी रहे हो जो भी आपके स्टैंडर्ड है अगर आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हो तो हर एक पर्सन अपना अर्न करेगा और अपना घर चलाएगा तो उससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज़ होगा नॉट टू रिजॉर्ट टू डी इनडिसेंट एडवर्टीजमेंट ये डिसेंट नहीं यह इनडिसेंट एडवर्टीजमेंट है मतलब कि गलत एडवर्टीजमेंट नहीं दिखानी चाहिए टू बी ए पार्टनर इन सोशल डेवलपमेंट बाई एस्टेब्लिशिंग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एटसट्रा हर एक बिजनेस क्या कर सकता है पार्टनर बन सकता है सोशल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट uh, का साथ दे सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाकर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बनाकर हम गवर्नमेंट का साथ दे सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सोशल डेवलपमेंट में नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वर्ल्ड वर्ल्ड पब्लिक इन जनरल अब वर्ल्ड के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है नंबर वन टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स इंटरनेशनल पीस इंटरनेशनल पीस मतलब जो भी जितने भी सारी कंट्रीज़ हैं उन सब में पीस रहे कोई लड़ाई झगड़े ना हो टू ऑब्ज़र्व रूल्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट अगर आपकी जो भी बिजनेस है आप अगर इंटरनेशनली डील कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स में तो जो भी इंटरनेशनल मार्केट के रूल्स हैं उन सबको फॉलो करना आपकी जिम्मेवारी है टू हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज जो भी कंट्रीज हैं जो अभी तक डेवलप्ड नहीं हुई हैं उनको हेल्प करना ताकि वो भी क्या कर सकें डेवलप कर सकें टू डू बिजनेस ऑनेस्टली आप अपना बिजनेस ऑनेस्टली करो नेक्स्ट है टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो भी ह्यूमन राइट्स हैं जो भी एक पर्सन के राइट्स होते हैं उसको एक्सप्लोय नहीं करना चाहिए उन सबको प्रिजर्व करने में उन सबको सही रखने में हर एक बिजनेस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए तो ये था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे थैंक यू